हेलो वेलकम गाइस, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल द्वार के में आप सभी का स्वागत है। मैंने बैंक साथी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। KYC अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पैसा बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो क्या करना है, A to Z एक एक वीडियो में मैंने बारीकी से समझाया है। बट अभी बैंक साथी ने एक न्यू अपडेट और जारी कर दिया है, उसी के ऊपर यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। MPIN आप सभी ने सुना ही होगा। MPIN का मतलब आप तो सभी जानते होंगे, जब भी हम कोई मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर हमको MPIN क्रिएट करना होता है, वैसा ही ऑप्शंस इसमें लागू कर दिया है बैंक साथी ने। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। और जो नए दर्शक हैं और आप चाहते हो कि मैं बैंक साथी से किन किन तरीकों से यहाँ पर अर्निंग कर सकता हूँ, तो आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ कैसे अर्निंग करना है और पेमेंट विड्रो के लिए क्या करना है, KYC के लिए क्या करना है, सब कुछ मैंने उसमें समझाया हुआ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैंक साथी का जो ऐप है उसे अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसे अपडेट करने के बाद इसे आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है और जो दर्शक पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं बैंक साथी को लेकर, तो मैंने बैंक साथी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना रखी है, अर्निंग कैसे करना है, KYC कैसे कंप्लीट करना है, काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर आप जाकर देख सकते हो, और अर्निंग कैसे करना है वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जो नया अपडेट आया उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, इसके लिए प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर लागू कर दिया है, MPIN। जैसे हम कोई भी मोबाइल का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है उसे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको वहाँ पर MPIN क्रिएट करना होता है, वैसा ही ऑप्शंस बैंक साथी ने भी लागू कर दिया है। जब भी हम लॉगिन करेंगे तब हमको MPIN डालकर ही यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर MPIN कैसे क्रिएट करना है वो हम जानते हैं, अभी अभी लागू किया है, कल ही मैंने इसे अपडेट किया है, तो आप भी इसे अपडेट करिए, उसके बाद ही आपको यह ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गेट योर अकाउंट सिक्योर, ओके, तो इस वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा MPIN। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ इंटर यूअर न्यू MPIN, ठीक है, तो मैं यहाँ पर MPIN डाल देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हाइड कर देता हूँ, ठीक है, आप भी करके रखिए ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। सेंड OTP, यहाँ पर हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो हमको यहाँ पर डालना है, तो कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। OTP भी आ चुका है, 4747, वेरीफाई OTP कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो MPIN है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने थे, छोटा सा ही वीडियो था आपके लिए कि आप MPIN कैसे क्रिएट कर सकते हो बैंक साथी से। ठीक है, तो आप यदि फर्स्ट टाइम बैंक साथी पर आए हो अर्निंग करने के लिए एजेंट के तौर पर, तो आप मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा, वहां पर जाइए, बैंक साथी का ऐप डाउनलोड करिए और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ही है, लोग 25-25, 30-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं बैंक साथी से, तो आप भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना।